हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ फ्रेश कोकोनट की बर्फी बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। ये बर्फी प्योर एंड टेस्टी है, जो व्रत स्पेशल बनाया गया है और ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से बनके तैयार हो गया है। इसमें से मैं एक बर्फी को तोड़ करके दिखाती हूँ। ये बर्फी बहुत ही रसीला एंड टेस्टी बनके तैयार हुआ है। इस बर्फी को हम व्रत में खा करके पानी पी सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस स्वादिष्ट बर्फी को बनाते हैं। नारियल का बर्फी बनाने के लिए पहले हम एक ताजा नारियल लेंगे और नारियल के पीछे के इस पार्ट को हम छिल करके अलग कर लेंगे। ये बहुत ही इजीली छूट जाता है। देखिए, हमने इसे इस प्रकार छुड़ा लिया है। इस प्रकार हमने सारे नारियल को छिल लिया है और अब इसे हम धुल करके कद्दूकस कर लेंगे। ये बहुत ही आसानी से कद्दूकस हो जाता है। इसे हम बारीक कद्दूकस करेंगे। चाहे तो इसे हम छोटे छोटे पार्ट में कट करके मिक्सर में ग्राइंड भी कर सकते हैं। आपको जो इजी लगे आप उस मेथड से कर सकते हैं। इस प्रकार हमने इसे इजीली कद्दूकस कर लिया है और कुछ नारियल को हमने इस प्रकार ग्राइंड भी कर लिया है। दोनों तरीके से ये बढ़िया बनता है। अब हम गैस पर एक मोटे तले का कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई गर्म हो गया है, अब इसमें हम एक चम्मच देसी घी डालेंगे। घी मेल्ट हो गया है, अब इसमें हम इस फ्रेश कद्दूकस किए हुए नारियल को डालेंगे और अब इसे हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। 2-3 मिनट रोस्ट करने के बाद अब इसमें हम 1 कप फुल क्रीम मिल्क डालेंगे। और अब इसमें हम इस नारियल की 1/2 शुगर डालेंगे। आप शुगर की क्वांटिटी अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। 7-8 मिनट तक इसे हम इसी प्रकार मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए पकाएंगे। 7-8 मिनट हो गया है, अब इसे हम थोड़ा सा और पकाएंगे और इसमें हम 4-5 छोटी हरी इलायची को कूट करके डालेंगे। आप चाहें तो इसमें फूड कलर भी यूज कर सकते हैं। बट हम यहाँ इसे सादा ही बना रहे हैं। हमने इसे चलाते हुए लो फ्लेम पर 10 मिनट और पका लिया है, यानी कि इसे पकने में टोटल 25 मिनट लग गया है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ करेंगे। अब हम बर्फी जमाने के लिए इस प्रकार का कोई बर्तन लेंगे और उस पर फॉइल पेपर लगा देंगे और इसे देसी घी से थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। अब इसे हम इसमें डालेंगे। अब हम इसे इसी प्रकार आधा घंटा सेट होने के लिए रख देंगे। आधा घंटा में ये इस प्रकार सेट हो गया है। अब हम चाकू से इस पे इस प्रकार से कट का निशान लगाएंगे। अब इस फॉइल पेपर को हम इसमें से निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही स्वादिष्ट रसीला बर्फी बनके तैयार हुआ है। इस प्रकार ये फ्रेश कोकोनट का व्रत स्पेशल बर्फी बनके तैयार हो गया है।
अगर आपको ये बर्फी बनाने की रेसिपी पसंद आया हो तो आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा एंड इस वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपकी प्यारी फ्रेंड मिनी।